पीएम मोदी के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। पीएम की साधना ने सबको हैरान किया। पीएम जिस तरह से आस्था और सनातन धर्म को भारत से लेकर विश्व तक में फैला रहे हैं, उसकी चर्चा खूब हो रही है और उस डोर को अब कोई पकड़ नहीं सकता। पीएम मोदी रविवार को द्वारका नगरी में थे, जहां उन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन किए। लेकिन पीएम ने ये दर्शन किसी मंदिर में नहीं बल्कि समुद्र के अंदर में जाकर किया। आप दृश्य में देख सकते हैं कि पीएम मोदी हाथों में मोर पंख लिए नाव पर बैठकर समुद्र के बीच में जाते हैं और गोता लगाते हुए समुद्र के अंदर साधना करते हैं। प्राचीन द्वारका नगरी के अवशेष को प्रणाम भी किया और भगवान कृष्ण को मोर पंख चढ़ाया। पीएम मोदी के साथ नेवी की टीम भी मौजूद है उनकी सुरक्षा में। आपने पीएम मोदी को केदारनाथ में साधना करते देखा होगा। आपने उन्हें कन्याकुमारी और राम सेतु में भी साधना करते देखा होगा। लेकिन पहली बार पीएम मोदी समुद्र के अंदर साधना करने जाते हैं। पीएम मोदी का ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग उनके फिटनेस की भी तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल पीएम मोदी का यही व्यवहार उन्हें एक ग्लोबल लीडर बनाता है, क्योंकि देखा जाए तो पीएम मोदी को समुद्र में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो प्राचीन द्वारका नगरी को समुद्र के तट से भी प्रणाम कर सकते थे, वहां साधना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने जान और सुरक्षा की कोई परवाह नहीं की और बेफिक्र होकर लगा दी साधना की डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साधना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TNN वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता हूं।